आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, बोत्सवाना, रसिया। परसेप्शन के बेसिस पे जाएं तो कहीं ना कहीं लगता है कि डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अफ्रीका में कोई कंट्री होनी चाहिए। बोत्सवाना साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है, मतलब सदर्न अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका के पास है, बोत्सवाना होना चाहिए। बट इन्होंने लिखा है कि रसिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। रसिया ऑब्वियसली स्टेटेड देयर आर मासिव डायमंड रिजर्व्स अंडर द माइंस कंटेनिंग ट्रिलियंस ऑफ कैरेट्स ऑफ टन्स ऑफ डायमंड्स। अब ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2020 की सिचुएशन क्या है। डायमंड रिजर्व होना अलग बात है, डायमंड प्रोडक्शन वाला होना अलग बात है। तब भी डायमंड रिजर्व्स बाय कंट्री, सही बात है यार, रसिया के पास ही है, बोत्सवाना सेकेंड है। रसिया के पास मासू डायमंड रिजर्व है, फिर बोत्सवाना, इंडिया तो कहीं है ही नहीं, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, डीआरसी, मेरा साउथ अफ्रीका तो सातवें नंबर पे है, कनाडा, अंगोला, जिम्बाब्वे, बट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, बोत्सवाना है। अगर बोत्सवाना का प्रोडक्शन अंगोला से जोड़ दें तो 20, 29, 30 मान लें, साउथ अफ्रीका से जोड़ दें 38, जिम्बाब्वे से जोड़ दें 40, कांगो से जोड़ दें 52, नामीबिया से जोड़ दें 53, सियेरा लियोन से जोड़ दें 54, 55, मतलब अच्छा खासा अफ्रीका से प्रोडक्शन है। रसिया और ऑस्ट्रेलिया ये और है। अच्छा, डायमंड एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो एक्सपोर्टर में तो नंबर वन इंडिया है, फिर बेल्जियम है, फिर इसराइल है, साउथ अफ्रीका, मतलब इंडिया यहाँ से रॉ अनकट डायमंड मंगाता होगा, प्रोसेस करता होगा, कटिंग वटिंग पॉलिशिंग करता होगा और फिर एक्सपोर्ट के लिए भेज देता होगा। साउथ अफ्रीका तब भी है यहाँ पे अच्छा खासा, इंडिया, बेल्जियम, इसराइल आ जाते हैं नंबर वन पे, है रशिया, बोत्सवाना का। ये चीज़ तो भाई लिखनी पड़ेगी, इसकी तो नीच भी ढूंढानी पड़ेगी। प्रोडक्शन होना अलग बात है, बेचना अलग बात है। रशिया का तो इतना रिजर्व है कि बाकी सबसे बहुत ज्यादा है। कांगो ये कब का है? 2020 का डेटा है। आई थिंक बोत्सवाना पीछे चला गया है, कांगो आगे आ गया है, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत पीछे चला गया है। इस चीज को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। रसिया पे जाते हैं या फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी उठाएं, ठीक है, रसिया पे जाते हैं, जो चीज जिसका नंबर वन हो वहाँ जाना चाहिए। अफ्रीका में भी जा सकते हैं, दो जगह जा सकते हैं, रसिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में जाते हैं। रसिया में मैंने आज ही जोड़ा था कॉपर, कुजनेत्स, लेडोजेंक, ट्रांसाइबेरियन रेल रूट, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक। अभी ये मेरे को जोड़ना है डायमंड रिजर्व। मैंने सपने पे भी नहीं सोचा था कि रसिया हो सकता है डायमंड का सबसे बड़ा रिजर्व। रशिया के पास नेचुरल रिसोर्स बहुत है, ऑयल और गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, तो और बचा गया रसिया। ये सेम पिक जानी चाहिए आपके अफ्रीका में भी, क्योंकि अफ्रीका का भी अच्छा खासा है। रशिया के बाद आई थिंक सेकेंड नंबर पे कांगो है। इकोनॉमिक जियोग्राफी, यूरेनियम भी अफ्रीका से निकलता है। वापस बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई कि डायमंड में नंबर वन है रशिया, फिर है कांगो, फिर है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया।
और डायमंड की जो माइंस है वो यहाँ यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, साउथ अफ्रीका जैसा मैं बोल रहा था वो सही बात है, ये अफ्रीका में जाना चाहिए। प्लेटिनम देख रहा था मैं, प्लेटिनम भी रशिया में ही है शायद। आगे बढ़ते हैं, मतलब बात का समझ में आ गया, बस यही है। रूर बेसिन जर्मनी का है, इज द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी ये। लेकिन यार जर्मनी तो ट्रांजिशन कर रहा है, जर्मनी रूर बेसिन एक्चुअली कोल बेल्ट है, कोल माइनिंग रीजन है। कोयला निकलता है तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, और कोयला निकलेगा तो कोयला आयरन की और स्टील के मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज होगा, बहुत सारे फर्टिलाइजर की फैक्ट्री में यूज हो सकता है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल रीजन कोल के अर्ध गर्द सेटअप हो जाते हैं। तो रूर का तो एक पूरा जर्मनी में एक रूर बेट एक कनर्वेशन है, अर्बन कनर्वेशन, जहाँ पे मतलब सेटलमेंट बोल सकते हैं, अर्बन सेटलमेंट, जिसके इर्द गिर्द इंडस्ट्री के आसपास जो इंडस्ट्रियल रीजन बन जाता है, इंडस्ट्रियल सिटीज बन जाती हैं। 5 मिलियन रीजन में तो 50 लाख यूरोप के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि जर्मनी एक ट्रांजिशन कर रही है, और वो ट्रांजिशन है कि हम, जर्मनी का कहना है ये कि हम अपने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करें, पोल्यूटिंग जो है कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स इनसे हम ट्रांजिशन करें। जर्मनी का मेन है मुझे लग रहा है विंड की तरफ, न्यूक्लियर भी नहीं, कोल पेट्रोलियम और न्यूक्लियर के बजाय जर्मनी कोशिश कर रही है विंड, सी टाइडल और वेव्स, इन सब में ट्रांजिशन करना चाहती है, हाइडल भी हो सकता है। पर तब भी जान लेते हैं रूर बेसिन है कहाँ पे, मैप के हिसाब से जानते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। रूर रीजन जर्मनी के बीच बीच है, नॉर्थ राइन, वर्ल्ड मैप में देखते कहां पे है। रूर रीजन मैप, वर्ल्ड मैप में कहां कुछ पता चलेगा यार। हाँ ये है कि इतना दिख जाएगा कि जर्मनी के इधर ईस्टर्न साइड है, यूरोप में जाना चाहिए भाई, इंडस्ट्रियल बेल्ट। लेकिन ये अब कोई पता नहीं है मुझे, ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, पुरानी चीज का ही अभी तक रोना चल रहा है, देखना पड़ेगा, क्योंकि किताबें जो है अपडेट तो होती नहीं बहुत ज्यादा। रूर अभी भी उतना ही प्रोमिनेंट है कि नहीं, बट स्टिल चलिए इकोनॉमिक जियोग्राफी चलते हैं, क्लियर हो जाएगा वहां से। ह्यूमन सेटलमेंट इकोनॉमिक, यूरोप की कील कैनाल कौन सी है, कैनाल बाल्टिक सी, नॉर्ड स्ट्रीम, एक टाइम था जब नॉर्ड स्ट्रीम वगैरह पॉपुलर थी, मैं 12-13 की बात कर रहा हूँ, अब तो ये सब पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। ये रहा रूर रीजन, रूर इंडस्ट्रियल बेल्ट जर्मनी। चलिए देखते हैं रूर के बारे में कुछ और जानते हैं, इसमें तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा। रूर के बारे में विकिपीडिया में क्या लिखा है कि रूर इज ए पॉलीसेंट्रिक अर्बन एरिया इन नॉर्थ राइन, मतलब राइन रिवर पे पानी तो चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट्स,
विद ए पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस मच एंड पॉपुलेशन ओवर 5 मिलियन, ये बात सही है। 50 लाख की 2017 में थी, तब तो 55 लाख की हो गई होगी। इट इज द लार्जेस्ट अर्बन एरिया इन जर्मनी। सही बात है, मतलब जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल याद नहीं आ रही है आज। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज सिटीज बाउंडेड बाई रिवर रूर। रूर एक रिवर भी है, वेस्टर्न जर्मनी, ट्रिब्यूटरी ऑफ राइन, राइन की ट्रिब्यूटरी है। लिप्पे टू द नॉर्थ, इन द साउथ इट बॉर्डर द बर्गिसेस लैंड। राइन रूर मेट्रोपॉलिटन रीजन है 1 करोड़ लोगों का, विच इज अमंग द लार्जेस्ट इन रूर। तो भाई रूर की तो मतलब वैल्यू अभी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मोस्ट पॉपुलस सिटी डॉर्टमंड है, एसन है। अब ये नाम जरूर नहीं सुने। रूर हैज नो वन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। 2010 में रूर रीजन वाज वन ऑफ द यूरोपियन कैपिटल्स ऑफ कल्चर। अरे यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर तो बदलता रहता है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ द रूर, रूर बैट, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन इनटू एन अर्बनाइज इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्टेड इन लेट 18th सेंचुरी विद द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वोपर वैली। कोल, चारकोल, वर्कर्स, टूल्स, वेपन्स, मतलब इंडस्ट्रियलाइज हो गया पूरा। कोल माइनिंग एरिया था यहाँ पे। फिर कोक, कोल वॉज एक्सपोर्टेड एंड प्रोसेस इन कोकिंग ओवन्स इनटू कोक। ब्लास्ट फर्नेसेस में इसका यूज हुआ, जिससे आयरन और स्टील बन सके। पोर्ट बन गया मलहाइम का। रेल रूट अर्बनाइजेशन ऑल्सो बूस्टेड एक्सपेंशन ऑफ रेल रूट कनेक्शन। माइनिंग होती थी, कोल निकलता था, आयरन स्टील की फैक्ट्रीज बन गई, लोग आके रहने लगे, और क्या चाहिए। वर्ल्ड वॉर वन में कुछ होता रहता है यहाँ पे। फिर अभी क्या है? बहुत ज्यादा हैवी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी 50s 60s में। भाई हम अब 50s 60s की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 2020 की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। लेबर्स मूवमेंट, क्लाइमेट, डेमोग्राफी। सबसे बड़ी सिटी रूर में डॉर्टमंड है। डॉर्टमंड इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ रूर। एसेन, हैगन, कोई भी एक ऐसी सिटी नहीं है जो सुनी सुनाई सी लग रही हो। जर्मन बोलते हैं, कल्चर। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कुछ ऐसा खास नहीं है अभी। डॉर्टमंड 6 लाख की पॉपुलेशन है, थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। जर्मनी इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ नॉर्थ राइन, 8th लार्जेस्ट सिटी। राइन रूर मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। अच्छा, हैम्बर्ग, हैम्बर्ग तो तब भी नाम सुने सुने लग रहे हैं। हैम्बर्ग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन जर्मनी आफ्टर बर्लिन। अच्छा हाँ, जर्मनी की कैपिटल तो बर्लिन है ना, बर्लिन वॉल। बर्लिन, हैम्बर्ग, अगर जर्मनी की मुझे पूछा जाए दो तीन शहर बताओ तो मैं तो बर्लिन और हैम्बर्ग भी ना बता पाऊँ, कितनी खराब हालत है भाई। बर्लिन तो याद होना चाहिए, बर्लिन और हैम्बर्ग। बर्लिन, हैम्बर्ग, राइन, रोन, डॉर्टमंड। जर्मनी के बारे में बहुत कुछ दुनिया में मिलता नहीं। चलो हो गया, समझ गए। रूर बेसिन इज द फेमस इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी।
लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इन द वर्ल्ड। आई थिंक चाइना भी राइस व्हीट प्रोड्यूस करता है, इंडिया भी राइस व्हीट प्रोड्यूस करता है, रशिया और यूएसए भी प्रोड्यूस करते हैं। एग्रीकल्चर इज चाइना रैंक फर्स्ट वाइड इन वर्ल्ड वाइड फॉर्म आउटपुट प्रोड्यूसिंग राइस व्हीट पोटैटो। ये देखना पड़ेगा मुझे अभी 2020 का डेटा। व्हीट प्रोडक्शन बाय कंट्री, व्हीट प्रोडक्शन बाय कंट्री और राइस प्रोडक्शन बाय कंट्री और पोटैटो, भाई तीन चीजें इंसान को मिल जाए तो पूरा खाना हो जाए, व्हीट राइस और पोटैटो, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अभी पता चल जाएगा नंबर वन कौन है भाई। व्हीट में चाइना है सच में निकला, सही बात है। चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, बड़ी बड़ी कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज हैं वो व्हीट और राइस है उनके पास खाने के लिए, तभी तो बनी है। व्हीट प्रोडक्शन में नंबर वन है चाइना, फिर इंडिया। मैं तो समझता था इंडिया अच्छा खासा व्हीट प्रोडक्शन करते हुए, चाइना है व्हीट में नंबर वन, फिर इंडिया है, फिर रशिया है, फिर यूएस है, फिर फ्रांस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, पाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी, टर्की। बट ये बड़ी बात है कि चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, यूक्रेन, जर्मनी। अगर पाकिस्तान इंडिया का पार्ट होता तो शायद इंडिया चाइना को बीट कर देता 100 और पाकिस्तान के 26 के 26। ना चाइना को तब भी ना बीट कर पाता, लेकिन तब भी बहुत बड़ा भुकाल हो जाता है। पाकिस्तान को मिला लेना चाहिए यार इंडिया में। चलो अगला देखते हैं, राइस। राइस में भी चाइना नंबर वन है, फिर इंडिया, फिर इंडोनेशिया। अच्छा राइस का पैटर्न अलग है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशियन की आसियान कंट्रीज बहुत है, ईस्ट एशिया और आसियान। भाई इसमें एक चीज पैटर्न है कि बांग्लादेश अगर इंडिया में जुड़ जाता है 116-34, 116-120, 150 तो शायद चाइना को मात दे देता, बांग्लादेश को राइस प्रोड्यूस करता है। इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपींस, जापान, ब्राजील, राइस जो है पूरा ईस्टर्न मामला है। चलो इसको तो भाई सेव करना पड़ेगा, कुछ तो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया ने किया, साउथ ईस्ट एशिया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये क्या है भाई, क्रा कैनाल, चियांग माई इनिशिएटिव, मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया ने कैपिटल बदलने का प्लान बनाया जकार्ता से, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, बायो, अरे यार इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहाँ है साउथ ईस्ट एशिया की, फिर से देख डालो एक बार, ओशनोग्राफी, सॉइल, बायो, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन माइग्रेशन, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो ये पाम ऑयल, वैम ऑयल लिखा था मैंने, पाम ऑयल में इंडोनेशिया नंबर वन है, हाँ वोट वोट लिखे तो हैं। चलो यही जोड़ो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर भी आता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी आती है, कहाँ से उठाओ ये इमेज। इमेज उठाने का मेरे पास सबसे आसान तरीका, उठाओ इमेज अभी। ये मैंने डाली साउथ ईस्ट एशिया में, मीट को किया छोटा। अभी ये नहीं लिखा ये किसका है, ये राइस का है, राइस प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, राइस प्रोडक्शन बाय कंट्रीज। तो चाइना है नंबर वन, तो इंडिया नंबर टू, तो इंडोनेशिया नंबर थ्री, तो बांग्लादेश नंबर चार,
वियतनाम 5, थाईलैंड 6, बर्मा 7, फिलीपींस 8, सब तो 100 आसियान है। आसियान में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया है, फिर वियतनाम है, फिर थाईलैंड है, फिर म्यांमार है, फिलीपींस है, जापान और ब्राजील। राइस प्रोडक्शन, अब बचा वीट प्रोडक्शन, हटा दिया क्या मैंने? वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन में आसियान नहीं होगा मेरे हिसाब से, आसियान राइस का है। चाइना, यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील। नहीं, ये तो गलत है। चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस। ये सही लग रहा है। लेटेस्ट डेटा चाहिए मेरे को, मैंने लेटेस्ट डेटा चाहिए भैया। भैया ये कहा है भैया? चाइना, यू अपने आप को नंबर वन बना ले रहे हैं। चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आसियान कंट्रीज है ही नहीं। चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, यूक्रेन। ये उठाता हूँ मैं वीट प्रोडक्शन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। इतना जान लिया बहुत है। वीट प्रोडक्शन, अभी वीट प्रोडक्शन को मैं किधर डालूँ? आसियान और ईस्ट एशिया। अच्छा, आसियान और ईस्ट एशिया में एक ही साथ कर रहा हूँ। चाइना डाला है क्या मैंने इसमें? अगर चाइना नहीं डाला है तो मैं चाइना को अलग से करूँ? गोबी डेजर्ट, फिलीपींस, मलेशिया, फिलीपींस, बोर्नियो, बर्मा, मेकोंग, तिब्बतन प्लेटो से रीवन निकाल रही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या है मामला? पापुआ न्यू गिनी, बायोम्स, कोरल ट्रायंगल, ऑस्ट्रो एस्टेटिक लैंग्वेजेस। चाइना अलग से किया है क्या मैंने यार? मुझे खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आई थिंक चाइना मैंने अलग से किया है, चाइना को अलग से किया है। हाँ भैया, चाइना अलग से है, ये चाइना, चाइना और ईस्ट एशिया। पर्ल रिवर कौन सा माउंटेन है ऊपर? अल्ताई, चाइना रशिया बॉर्डर पे। यांगजे, चाइना रशिया बॉर्डर पे। अमूर, पर्ल कैंटोन। क्लाइमेटोलॉजी, गोबी और टकला मकान। ओशनोग्राफी, साउथ चाइना सी। और ये क्या है? इकोनॉमिक जियोग्राफी। हाँ यही तो करना है। इकोनॉमिक जियोग्राफी में इंडस्ट्रियल के साथ साथ एग्रीकल्चर भी तो आता है। बस आप यहाँ डालो वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन। चाइना इज नंबर वन, मतलब मैं ये समझता था कि चाइना राइस में तो नंबर वन हो सकता है, वीट का मुझे नहीं गेसता हूँ। चाइना लेकिन धुआंधार परफॉर्मेंस देता है हर चीज में, कुछ तो बात है। चाइना इंडस्ट्रियल भी है और एग्रीकल्चरल भी नंबर वन है। चाइना, इंडिया, रसिया, यूएस, रसिया और यूक्रेन भी अच्छी खासी बेल्ट इनके पास वो है ना,
स्टेपी, स्टेपी प्रेरी, और यूएस प्लस यूएस और कनाडा, कनाडा के पास प्रेरी है। आई थिंक यूएस की प्रेरी ये वीट के लिए ही है, कनाडा की प्रेरी ये वीट के लिए है, यहाँ से वीट निकलता है। इंडिया का वीट की पंजाब हरियाणा यूपी बेल्ट है, प्रेरी टाइप ही है ग्रासलैंड। रसिया के पास स्टेपी, यूक्रेन के पास स्टेपी, पाकिस्तान के पास पंजाब, पंजाब वाला रीजन है। जर्मनी, टर्की, टर्की का तो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, जर्मनी के भी ग्रासलैंड होंगे स्टेपी टाइप। ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, वेल्स होते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड के, वेल्स लिख लेते हैं। फ्रांस, जर्मनी स्टेपी होंगे, स्टेपी वाला टाइप हो जाएगा। चाइना का पता करना पड़ेगा, मतलब ग्रासलैंड्स का है ना वीक। तो चलो ये हो गया। और पोटैटो, पोटैटो खाया, चाइना इस पे भी नंबर वन है यार, इंडिया इस पे भी नंबर टू, चाइना, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, यूएस, पोटैटो में चाइना, इंडिया, रशिया, यूक्रेन, यूएस, जर्मनी, बांग्लादेश, पोलैंड, फ्रांस, ये है पोटैटो। इसको मैं डालता हूँ रशिया यूक्रेन में, या मैं इसी में डाल देता हूँ चाइना में। चाइना बंद क्यों किया भाई, चाइना का नंबर वन पोटैटो में भी है, पोटैटो। चाइना का धुआंधार परफॉर्मेंस वीट में, राइस में और पोटैटो में बरकरार है। चाइना ने लगातार छक्के चौके जड़ जड़ के हर जगह जो है कब्जा कर लिया है। आगे आते हैं, आई थिंक व्हीट, राइस और पोटैटो में चाइना नंबर वन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट इन द वर्ल्ड इज चाइना, बिल्कुल सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी नाम से कोई सिटी है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में है क्या, कनाडा में है। कनाडा इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी इज ए सेटलमेंट इन सस्केत चेवन, सस्केत चेवन कनाडा, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न सोर्स ऑफ लेक अथाबास्का। अथाबास्का तो ऑयल सैंड्स क्लिफ है, वहां पर यूरेनियम भी है। नियर द बॉर्डर ऑफ नॉर्दर्न टेरेटरीज द सेटलमेंट इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्रिंस एल्बर्ट, एडमिंटन, सस्केतुचवान बाउंड्री। देखना पड़ेगा, यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी। यूरेनियम सिटी मैप, काम का है कोई, सस्केतुचवान कनाडा। यूएस कनाडा बॉर्डर, कनाडा की सारी पॉपुलेशन यूएस बॉर्डर पे तो रहती है। लेक अथावास्का, ओटावा टोरंटो मॉन्ट्रियल हेलीफैक्स विनिपेग कैलगरी विक्टोरिया वैंकूवर, यूरेनियम सिटी है, मिल गया यूरेनियम सिटी। सच में यूरेनियम सिटी यूरेनियम प्रोड्यूस करती है क्या, खाली नाम है। यूरेनियम सिटी इज इन नॉर्दर्न सेटलमेंट इन सस्केचवन कनाडा, लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न सोर्स ऑफ लेक अथाबास्का,
अथाबास्का अथाबास्काइट वाज डिस्कवर्ड, अथाबास्का इज अ मेंबर ऑफ क्या है इसमें, माइंस है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, क्लाइमेट, टैगा, न्यूक्लियर रिएक्टर भी है यहाँ पे। ओके ये नहीं पता चला कि यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग होती है कि नहीं। अथाबास्काइट का डिस्कवरी हुई है, अथाबास्काइट क्या है, मास अमाउंट्स ऑफ यूरेनियम माइंस पर प्रेजेंट। अच्छा यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अकरेंस पे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ U308 येलो की, विच वॉज ऑफ दिस 32% इज माइंड इन कजाकिस्तान। अदर इम्पोर्टेंट यूरेनियम माइनिंग कंट्रीज आर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, नामीबिया एंड रसिया। तो यूरेनियम का प्रोडक्शन में कनाडा का तो इम्पोर्टेंट रोल है, कजाकिस्तान का भी है। यूरेनियम प्रोडक्शन बाई कंट्रीज, यूरेनियम प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाइजर, रसिया। ये कहाँ जाएगा कजाकिस्तान? कजाकिस्तान को वैसे रसिया में मैंने करना चाहिए था, पर चांस की बात है कि मैं अभी तक रसिया ही निपटाया हूँ, इसमें मैंने सेंट्रल एशिया नहीं किया है। बट इसकी इकोनॉमिक जियोग्राफी पे अगर आ जाए, रसिया की ये इकोनॉमिक जियोग्राफी को लगा रहा है, तो कर लेंगे, रसिया में ही करेंगे, और कहाँ करेंगे बताओ। आज ही मैंने किया कि डायमंड जो सबसे ज़्यादा रसिया में होता है, इस बात से मैं चौंका था। यूरेनियम चलो कजाकिस्तान के पास कुछ तो है, रसिया रसिया रसिया, इसीलिए इंडिया दोस्ती बनाना चाहता है कजाकिस्तान से, यूरेनियम मिल गया। आ गया छोटा, इतना तो दिखाओ। टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कजाकिस्तान, कजाकिस्तान है नंबर वन, फिर है कनाडा, तो इसका मतलब यूरेनियम सिटी सच में इम्पोर्टेंट है। रशिया नंबर टू, क्योंकि कनाडा नंबर टू है ना, यूरेनियम की वजह से होगा, यूरेनियम सिटी। तो ये जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकाना में गए, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेट, आज कर रहा था सेंटर है ना इकोनॉमिक जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जीआई पिक यूनिवर्सिटी कनाडा, यूनिवर्सिटी यूनियन कनाडा, मेक्स कनाडा नंबर टू इन दुनिया आफ्टर कजाक। चलो ऊपर वाले ने सबको सब जगह कुछ ना कुछ दे रखा है, यूनियन हो गया, यूनियन हो गया,
किम्बरली इज फेमस फॉर? किम्बरली डायमंड माइन के लिए फेमस है। किम्बरली इज फेमस फॉर डायमंड माइनिंग, द बिग होल ओपन माइन और किम्बरली माइन इज एन ओपन पिट इन अंडरग्राउंड माइनिंग किम्बरली साउथ अफ्रीका। इट इज क्लेम टू बी द लार्जेस्ट होल एक्सकेवेटेड बाई हैंड। किम्बरली किम्बरली डायमंड माइन, ये तो पता था मुझे, साउथ अफ्रीका में है। अफ्रीका डायमंड में रशिया, हाँ साउथ अफ्रीका का है ना थोड़ा बहुत, किम्बरले की वजह से। कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, द कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, द कंट्री एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज ब्राजील। कॉफी प्रोडक्शन इन ब्राजील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट ए थर्ड ऑफ ऑल कॉफी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, मेकिंग ब्राजील द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये पोजीशन द कंट्री हैज हेल्ड फॉर लास्ट 150 ईयर, पिछले 150 सालों में ब्राजील से ज्यादा कॉफी कहीं आई नहीं, कॉफी तो ब्राजील का ही मामला है। और मीनस ग्रेस, साओ पाउलो, पराना, और वे द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट प्रोड्यूस आइडियल ग्रोइंग कंडीशन। ये देख लेते हैं भाई, कॉफी प्रोडक्शन बाई कंट्रीज। कंट्री ब्राजील पूरी रैंक कहीं मिल जाए, कब का डेटा है? 2019। ये तो यार ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, ग्वाटेमाला, मैक्सिको। लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय कॉफी प्रोडक्शन, ब्राजील रेड में, तो इंडिया भी है, इंडिया भी प्रोड्यूस करता है कॉफी। इंडिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे, ब्राजील, कोलंबिया। ये कॉफी जो है बेसिकली वो इक्वेटोरियल है, कॉफी बेसिकली इक्वेटोरियल है, ब्राजील और कोलंबिया, होंडुरस, मैक्सिको, पेरू, ग्वाटेमाला, ये सब साउथ अमेरिका है। और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो इक्वेटोरियल रीजन है, वियतनाम, इंडोनेशिया, और जो अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन है, इथियोपिया, युगांडा। तो बेसिकली ये इक्वेटर मतलब गरीब कंट्रीज का ही है मामला, यूरोप। समझ गया मैं, कॉफी प्रोडक्शन तो ये जाएगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका तो खुला भी होगा, यही भी पूछा था, साउथ अमेरिका जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ था। साउथ अमेरिका। क्लाइमेटोलॉजी है साउथ अमेरिका की, मैंने क्लाइमेटोलॉजी लिख रखी है, एंडीज अटाकामा, ओसनोग्राफी ले रखी है, ठंडी करंट, गर्म करंट, इकोनॉमिक जियोग्राफी नहीं है। अमेरिका इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमिक जियोग्राफी में ये रहा मेरा। जी, 1 नंबर 1 ब्राजील, वियतनाम,
कहाँ तक करें? अगर इंडिया सातवां है तो उगांडा, मैक्सिको, ग्वाटामाला, पेरू, निकारागुआ। ब्राजील नंबर वन है। नंबर वन याद रख सकता है कोई? कितना याद रखेगा? और जेरा कंट्रोल भी। और अब आते हैं कि याद नहीं रहेगा कॉफी प्रोडक्शन क्यों यहाँ जाता है, तो मुझे ये मैप जो है दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है कॉफी वहां की है, कोई दिमाग में बैठाना पड़ेगा। इक्वेटोरियल रीजन कॉफी के लिए बेस्ट है। अब कॉफी तो प्लांटेशन है, तो रेन फॉरेस्ट काटते हैं लोग, और कॉफी के प्लांटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है इक्वेटोरियल रीजन की। इंडिया में भी ये हुआ है जी, लेकिन ये पूरा जो है मुझे उसके बाद वियतनाम नंबर टू है, तो आसियान और साउथ ईस्ट एशिया में भी चाहिए, क्योंकि तो आसियान और साउथ ईस्ट एशिया सिर्फ रबर और पाम ऑयल नहीं करते हैं, राइस ही नहीं करते हैं, कॉफी भी करते हैं। कॉफी का भी मामला इनका बढ़िया है। और ये बात मैं उठाऊंगा साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से मैंने उठाया, ऐसे उठाता हूँ कंट्रोल सी, और ये मैंने डाला आसियान। ये मैंने दिमाग में बैठा लिया कि इक्वेटोरियल रीजन का है कॉफी, सब तो इक्वेटोरियल है। ये देखो अफ्रीका की कंट्रीज है, इसीलिए ब्राजील के बाद दूसरा वियतनाम यहाँ कहीं है, कोलंबिया यहाँ है, इंडोनेशिया यहाँ है, इथियोपिया अफ्रीका में है, होंडुरस यहाँ है, इंडिया यहाँ है इक्वेटोरियल से थोड़ा सा ऊपर, युगांडा यहाँ है इधर, मेक्सिको यहाँ है, ग्वाटेमाला इधर है, पेरू उधर है, निकारागुआ इधर सेंट्रल अमेरिका में है। ये मेजर जो है कॉफी प्रोडक्शन के रीजन हो गए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं।